हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अनुराग मोहन भटनागर एंड दिस इज़ लोक्यूपाई। ठीक है, तो आज की हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आई होप आप सब करंट अफेयर्स की एकदम अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। ठीक है, रोज़ रोज़ नोट्स बनाने हैं और ये वीडियोज़ भी देखनी है। ठीक है, तो आज की हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम बात करेंगे 31 दिसंबर से लेके 2 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। ठीक है, अभी अभी लाइव क्लास ख़त्म हुई, लाइव क्विज। ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। ठीक है, वरना फिर एक और दिन ऐड हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाती है। तो छोटी छोटी वीडियोस बना के हम अच्छे से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं नेशनल न्यूज़ की। भाई अगर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले आ जाते हैं मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो जो IIT मद्रास है, बेसिकली उस इंस्टीट्यूट को लगातार 3 साल थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए ये अवार्ड मिला है, विच इज़ द मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है, और ये जो अवार्ड दिया है, ये दिया है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ने। ठीक है, ARIIA, इनका बेसिकली ये थर्ड एडिशन था। ठीक है, थर्ड एडिशन में इनको ये अवार्ड मिला है फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। ठीक है, एकदम याद करना एकदम ईजी है, 3-3। ठीक है, याद कर लेना, उसको एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब एज़ फार एज़ द ओ भाई ये क्या हो गया, कोई नहीं, चलो एज़ फार एज़ द एजुकेशन मिनिस्ट्री इज़ कंसर्न। ठीक है, तो आर यूनियन मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज़ धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, आगे चलते हैं। तो झांसी का रेलवे स्टेशन का जो नाम है भाई, वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, झांसी का चेंज हुआ है और सिक्किम की एक रोड है जिसका नाम कर दिया गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। ठीक है, तो नाम चेंज भाई इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो झांसी यूपी में बिलोंग करती है, इसका नाम इन्होंने चेंज करके, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके कर दिया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, टू ऑब्वियसली कमेमोरेट द रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई द महारानी कॉन्सर्ट ऑफ मराठा प्रिंसली स्टेट ऑफ झांसी फ्रॉम 1843 टू 1853। ठीक है, और जैसे मैंने बाद में बताया कि सिक्किम के जो गवर्नर है गंगा प्रसाद, उन्होंने नरेंद्र मोदी मार्ग रोड भी इनॉग्रेट कर दी है आफ्टर, मतलब ऑब्वियसली टू कमेमोरेट आ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, ठीक है, तो भाई आगे चलते हुए अब बात करते हैं FSPA की। FSPA बेसिकली इज़ द आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, हम सबको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले नागालैंड में FSPA के चलते मिलिट्री ने 12 सिविलियंस को एक्चुअली शूट कर दिया था बाय मिस्टेक। ठीक है, तो उसके चलते ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीटिंग, मतलब कमेटी बनाई थी। ठीक है, 7 मेंबर हाई लेवल कमेटी थी विच वॉज हेडेड बाय विवेक जोशी टू एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग द कॉन्ट्रोवर्शियल FSPA 1958 फ्रॉम नागालैंड। ठीक है, सिर्फ नागालैंड से हटाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, बट कि हम FSPA को हटा सकते हैं कि नहीं, बट ऐसा नहीं हुआ है कि कमेटी ऐसा नहीं हुआ है, कमेटी ने नहीं बोला है हटाने को, बल्कि जो मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स की, उसने एंटायर नागालैंड, जो पूरा का पूरा नागालैंड है, उसको डिस्टर्ब्ड एरिया का टैग दे दिया है फॉर 6 मोर मंथ्स। ठीक है, तो अगले 6 महीने तक तो एटलीस्ट चलेगा ही FSPA। ठीक है, ये याद रखना। आगे चलते हैं, तो अब टाइगर डेथ्स की बात कर लेते हैं। तो NTCA जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन्होंने रिकॉर्ड करा है कि इंडिया में 126 डेथ्स हुई हैं टाइगर की इन 2021। ठीक है, और ये जो नंबर है एक्चुअली 126, ये बेसिकली सबसे हाईएस्ट है जब से NTCA के पास टेक्नोलॉजी आई है डेटा कलेक्ट करने की। ठीक है, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स हैं ये इंडिया में इन वन फुल ईयर। ठीक है, एक पूरे साइकिल में। और अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो MP में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। ठीक है, MP फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड इज़ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 26 हुई हैं, एंड थर्ड इज़ कर्नाटक। ठीक है, तो नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना कि MP में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। ठीक है, तो भाई अब इंटरनेशनल न्यूज़ की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का, बेसिकली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन्होंने इजिप्ट को अपना नया 4th मेंबर इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में, जो कि एक ब्रिक्स का पार्ट है। ठीक है, ये 2015 में ये पर्टिकुलर बैंक इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये जो न्यू डेवलपमेंट, ये ADB नहीं है, ये NDB है। ठीक है, वो गलती से टाइपो हो गया। तो जो NDB है, दैट वॉज इस्टेब्लिश टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स
फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज, ठीक है, जो भी सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर बैंक खोला गया था, ठीक है, दिस पर्टिकुलर न्यू डेवलपमेंट बैंक, इससे जो भी फंड्स आएंगे वो सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज जो भी कंट्रीज हैं उनको दिया जाएगा फंड, ठीक है, टू मोबिलाइज रिसोर्सेज. अब मैंने जैसे बताया इजिप्ट फोर्थ मेंबर हैं, तो बाकी के तीन मेंबर्स कौन हैं, तो बाकी के तीन मेंबर्स यहाँ लिखे हैं, बांग्लादेश, यूएई एंड उरुग्वे, ठीक है, ये तीन मेंबर्स ऑलरेडी सितंबर 2021 में आ चुके थे एनडीबी में, ठीक है, हमने क्विज में, लाइव क्विज में डिस्कस करा था ये अगर याद हो तो, ठीक है. और जो ओरिजिनल ब्रिक्स कंट्रीज थी वो 2015 में इंक्लूड हो गई थी जब ये बैंक बना, क्योंकि भाई ब्रिक्स का बैंक है तो ब्रिक्स की कंट्रीज ही नहीं होंगी क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है. तो और अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जाननी हो ब्रिक्स के बारे में, तो ग्लोबल पॉपुलेशन का 41% इज विद द ब्रिक्स कंट्रीज, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन बिलोंग्स टू दीज कंट्रीज, ठीक है. आगे चलते हैं, अब अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं थोड़ी. तो अनुपम रे जो हैं, बेसिकली एक सीनियर डिप्लोमेट और आईएफएस ऑफिसर हैं, इनको इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर एम्बेसडर टू द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट इन जेनेवा, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका एम्बेसडर बना दिया गया है, इंडिया का एम्बेसडर, ठीक है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट, ठीक है. ये बेसिकली है कि जो कंट्रीज हैं उनको डिसआर्म करने के लिए कि आर्म्स का सबसे पहले यूज़ ना करा जाए, उसको थोड़ा अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस होती है जेनेवा की हर साल, ठीक है. द सीडी मीट्स इन एन एनुअल सेशन, ठीक है. टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 65, ठीक है, उसमें से अनुपम रे इज़ द इंडियन एम्बेसडर, ठीक है. आगे चलते हैं, तो अब बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ की अगर बात कर लें थोड़ी, तो भाई बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ में सबसे पहले आ जाते हैं, केवाईसी अपडेशन की डेडलाइन जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है बाय आरबीआई, ठीक है. तो आरबीआई ने केवाईसी अपडेशन की डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है. केवाईसी इज़ नथिंग बट नो योर कस्टमर, ठीक है. ये आपका एड्रेस डिटेल, एड्रेस प्रूफ, आपका आईडी कार्ड, ये सब वगैरह ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर देते हैं. तो बेसिकली दिस होल प्रोसेस इज टर्म्ड एज केवाईसी, ठीक है. तो आपके बैंक अकाउंट्स में केवाईसी हो जाना चाहिए बाय 31 मार्च 2022, ठीक है. पहले लास्ट डेट थी 31 दिसंबर, बट उसको एक्सटेंड कर दिया है बिकॉज ऑब्वियसली ओमिक्रॉन वेरिएंट इज स्प्रेडिंग इन इंडिया, ठीक है, इसकी वजह से. और ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एज फार एज द प्रोसेस ऑफ केवाईसी इज कंसर्न, ठीक है. तो ये एचआरसी होता है हाई रिस्क कैटेगरी, तो हाई रिस्क सिटीजन के लिए केवाईसी नीड्स टू बी कैरिड आउट वंस एवरी 2 ईयर्स, ठीक है. हर 2 साल में आपको केवाईसी अपडेट कराना पड़ेगा अगर आप हाई रिस्क सिटीजन हैं तो. अगर आप मीडियम रिस्क सिटीजन हैं तो आपको हर 8 साल में एक बार केवाईसी अपडेट कराना पड़ेगा, ठीक है. बट अगर आप लो रिस्क सिटीजन हैं, जनरली सारे लोग लो रिस्क सिटीजन होते हैं, उनको हर 10 साल में एक बार अपना केवाईसी अपडेट कराना पड़ेगा, ठीक है. यही न्यूज़ थी. आगे चलते हैं, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली 19th ट्रांच अप्रूव कर दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का. अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं. तो जब भी किसी पार्टी को कोई आदमी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी डोनेशन देती है फॉर मतलब देयर उनके लिए कि उन्हें पसंद है तो डोनेशन देते हैं पैसे, तो कोई चेक या पैसे ऐसे हाथ में नहीं देते हैं कि भाई ये लो डोनेशन, हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स देते हैं, ठीक है. इलेक्टोरल बॉन्ड्स यहाँ लिखा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर अल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है. कोई जो भी सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सब इलेक्टोरल बॉन्ड्स देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को एज अ डोनेशन, अगर उनको डोनेट करना होता है तो पैसा, ठीक है. और ये किसी भी इंडियन सिटीजन के द्वारा ये परचेज किया जा सकता है, ठीक है. द वन टॉप मोस्ट एसेंशियल फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज दैट यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, ठीक है. और 15 दिन के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड वैलिड होता है, इसको आप बैंक में जाएंगे तो बैंक आपको ये इनकैश करके पैसे दे देगा, ठीक है. इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश कराना पड़ता है बैंक्स में, और कुछ ही स्पेशल ब्रांचेज होती हैं एसबीआई की जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश करती है, ठीक है. तो सिंस इग्नोर, ठीक है. तो 5 स्टेट्स में इलेक्शन आने वाले हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19th ट्रांच अप्रूव कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, ठीक है. और ये 1st to 10th जनवरी से सेल में आ जाएंगे,
और SBI ने अपनी कुछ ब्रांचेस को ऑथराइज किया है, कुछ सिर्फ कुछ ही ब्रांचेस होती हैं। तो SBI हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय RBI टू इशू एंड एनकैश द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है, ये याद रखना, 19th ट्रांच है, 19th एडिशन है, एडिशन कह सकते हैं। और SBI इज़ द ओनली बैंक विच हैज़ बीन ऑथराइज बाय RBI टू एनकैश एंड इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है, तो गाइज विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आर टुडेज सेशन एट लॉक्यूपाइड। ठीक है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल लॉक्यूपाइड को तो प्लीज़ डू सो। ठीक है, अगर वीडियोस देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इस पे सारे अपडेट्स आते हैं विद रिगार्ड्स टू द वीडियोस, द करंट अफेयर्स और लीगल सेक्शन। और इसका जो डिस्कशन ग्रुप है, अगर आप इस ग्रुप को जाके आप डिस्कस कॉलम पे ज्वाइन करेंगे वो ग्रुप, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो पहले से हैं और काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं उस पर और सब आंसर करते हैं। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और ये मेन टेलीग्राम का चैनल तो ज्वाइन कर ही लेना। ठीक है, लेट्स एंड द क्लास हियर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।